जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है मिथुन राशि के लिए जून 2017 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह जो हैं वो मंथ की शुरुआत में मेष राशि में हैं 3 जून तक, जो आपके लिए शुभ हैं, बिजनेस में लाभ करने वाले हैं, मित्रों से लाभ करने वाले हैं। 3 जून से चलेंगे बुध वृषभ राशि के अंदर 18 जून तक। राशि से 12वें स्थान के अंदर बुध ग्रह का भ्रमण शुभ नहीं होगा। खर्च बढ़ेंगे, आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, आत्मविश्वास का अभाव हो सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। 18 जून के बाद बुध चलेंगे आपकी राशि के अंदर, जो भी सामान्यतः मध्यम फलदायी है, क्योंकि जब जन्म के चंद्र के ऊपर बुध चलते हैं तो माइंड का वाइब्रेंसी बढ़ जाता है, तरंगी योग बनता है। ऐसे सिचुएशन के अंदर कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। प्रेडिक्शन में बात करेंगे अन्य और ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। यदि आपके जन्म के चंद्र मिथुन राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। यदि आपके जन्म के सूर्य भी मिथुन राशि में है, यानी कि 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपका जन्म है कोई भी साल के अंदर, तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मिथुन राशि में हैं तो ये प्रेडिक्शन आपको ज़बरदस्त असर करने वाला होगा। सब्सक्राइब करें चैनल और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। यदि आप कोई गूगल प्लस, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि माध्यम से कनेक्टेड हैं तो ये वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। मिथुन राशि वाले आपके कोई मित्र है तो उनको जरूर शेयर करें। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह 15 जून तक राशि से 12वें स्थान के अंदर हैं। 12वें स्थान में सूर्य ग्रह का भ्रमण शुभ नहीं होगा। गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना होगा, फादर के साथ रिलेशन में तनाव ना आ जाए उसका केयर करना होगा, और खुद का भी हेल्थ करना होगा, खास हेल्थ केयर करना होगा, और खास करके आँखों की और पैर की विशेष केयर करनी होगी। 15 जून से सूर्य चलेंगे आपकी राशि के अंदर, और जिसके चलते हुए खास करके दाम्पत्य जीवन में आपको पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना जाए उसका केयर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी ऑलरेडी आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं। और सूर्य मंगल और सामने शनि 20 जून से शनि का भी परिवर्तन हो रहा है, तो शनि आपकी राशि से 6वें स्थान के अंदर चलेंगे, जो आपके लिए शुभ बनने वाले हैं। लेकिन आपकी राशि के अंदर जो सूर्य और मंगल का भ्रमण होने वाला है, जिसके चलते हुए आपका टेम्परनेस बहुत बढ़ सकता है, तो खास करके आपको टेम्परनेस पे कंट्रोल करना होगा, और दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना जाए उसका केयर करना होगा। शुक्र आपके लाभ स्थान के अंदर हैं, जो आपको मित्रों से लाभ करने वाले हैं, लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं, और खास करके आपको डेट्स केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं 12, 13 और 14, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मकर राशि में। तो मकर के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र में आपको पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्रामे केयर करना है, और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में विशेष केयर करना है। डेट्स आपको केयर करना है 21, 22 और 23, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र के अंदर भी कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो ये था प्रेडिक्शन मिथुन राशि के लिए जून 2017 का। ऐसे ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।